हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 अगस्त के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन प्रश्नों को बता देता हूँ जिसका प्रीवियस वीडियो में जो है 2-4 क्वेश्चन का मैंने आंसर जो वो गलत दिया था। जैसे कि NPA का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, जहाँ पर प्रीवियस वीडियो में जो मैं आंसर दिया था वो नॉन परफॉर्मिंग एक्शन जो वो आंसर दिया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, NPA का जो फुल फॉर्म होता है ना बैंकिंग सेक्टर में, यह आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही कर लीजिएगा। NPA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में गलत आपको बताया था कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, जहाँ पे मैंने आपको महिलाओं के लिए बताया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वर्ष 1985 को जो है ये आपका युवाओं के लिए जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो वो घोषित किया गया था, तो ऑप्शन सी यूथ यानी युवा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अन्य अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किए घोषित किए गए वर्षों को देख लें, जहाँ से एग्जाम में आगे के शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में अगर पूछा जाए, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ईयर जो है यह आपका वर्ष 1972 में जो वो घोषित किया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है यह आपका 1972 में जो वो घोषित किया गया था। अर्थ समिट यानी जो आपका पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था यह आपका 1992 में हुआ था, तो ये आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट, अगर बात कर ले इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी आपका जैव विविधता वर्ष जो है ये किस वर्ष में घोषित किया गया था, तो ये आपका 2010 में जो वो घोषित किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो वर्ष है ये किस वर्ष घोषित किया गया था, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ये आपका 2010 में जो वो घोषित किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स ये जो आपका 2015 में जो वो घोषित किया गया था। इसके अलावा अगर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हेल्थ एंड वेलबींग के क्षेत्र में अगर देख लें, तो देखिए 1975 में जो है यह आपका इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर जो वो घोषित किया गया था। हो सकता है कि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए कि 1975 में जो है आपका कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सा ईयर जो वो घोषित किया गया था, तो यह आपका महिलाओं के लिए जो वो आपका घोषित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आज आपसे पूछ लिया था 1985 में जो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो वो घोषित किया गया था, तो ये आपका यूथ के लिए यानी युवाओं के लिए जो वो घोषित किया गया था। 1990 में जो है ये आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ लिटरेसी यानी साक्षरता का वर्ष जो वो घोषित किया गया था। वर्ष 2000 की बात कर ले, तो देखिए 2000 में जो है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ कल्चर ऑफ पीस जो वो घोषित किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट यानी सूक्ष्म ऋण जो है ये किस वर्ष में घोषित किया गया था, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2005 में जो वो घोषित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल के क्षेत्र में देख लें, तो देखिए 1978 में जो है ये आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड जो है वो घोषित किया गया था। 1983 में जो है ये आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन जो वो घोषित किया गया था। 1997 में जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलेंटियर्स यानी वॉलेंटियर्स के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये जो है किस वर्ष में घोषित किया गया था, तो ये आपका 1997 में घोषित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन का जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका आंसर नहीं बताया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में दुर्भावनापूर्ण फाइल वाली छवियों का उपयोग जो है हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को जो है संक्रमित करने के मदद करने के लिए जो वो किया जाता है, तो ये किसका उपयोग जो वो किया जाता है, तो ये आपका इमेज फिशिंग का जो उपयोग है वो किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एक और क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था, आपसे पूछा गया था कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से जो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये जो आपका यह अधिकारियों को जो है
संभावित खतरे को जो है अधिक तेजी से पहचानने में जो ये सहायता करता है, तो ये जो आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से एक आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा, ये तो आपका 1946 में भारत में पहली बार जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये आपके सीडी देशमुख थे। लेकिन अगर 2016 में जो आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 501,000 के जो नोट डीमोनेटाइज हुए थे, उस समय जो भारत जो आपके आरबीआई के गवर्नर थे ना, वो आपके उर्जित पटेल थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन का जो प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था कि आसमान के नीलेपन का जो मुख्य कारण क्या होता है, जहाँ पे मैंने देखा कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन दिया हुआ है, तो मैंने वहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन ए बता दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, आसमान के नीलेपन का जो मुख्य कारण होता है ना, वे श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव यानी बिखराव होता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का पहला हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर स्थित था। तो देखिए भारत का जो पहला हवाई अड्डा है ना, ये आपका बॉम्बे यानी मुंबई में स्थित था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जो है जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यानी सीमा जो है वो क्या है। तो देखिए भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, ये आपका 20,00,000 है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, यानी गृह मंत्री के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए जून 2024 तक आपके जो गृह मंत्रालय के प्रमुख है ना, ये आपके अमित शाह हैं। तो ऑप्शन सी अमित शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो ये आपके नरेंद्र मोदी है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपका दिसंबर 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका एओ ह्यूम के द्वारा जो है वो किया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आपका प्रथम अधिवेशन ये कहां पर हुआ था, तो ये आपका मुंबई में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये आपका WC बनर्जी यानी विमेश चंद बनर्जी के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो है भारत में संरक्षित बासमती की किस्मती की जो खेती है ना, इसके लिए किस देश के खिलाफ जो है वो आपका कानूनी कार्रवाई की मांग जो है वो किए हैं। तो देखिए बासमती किस्म की खेती के लिए आपका पाकिस्तान देश के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की मांग जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन सी पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जो वो जाना जाता है। तो देखिए वारली चित्रकला ये किस राज्य का चित्रकला है, तो ये आपका महाराष्ट्र के लिए जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पटचित्र चित्रकला के बारे में पूछा जाए, तो देखिए ये जो आपका पटचित्र चित्रकला है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य का है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, इसकी जो उत्पत्ति है ना, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। तो देखिए चिकनकारी जो आपका कढ़ाई शैली है ना, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। तो ऑप्शन ए लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी काउज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, यानी महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है ना, ये क्या है। तो देखिए महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है ना, ये समुद्री जल द्वारा CO2 का जो है अवशोषण है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए जो है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है अस्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो देखिए ये जो आपका अस्ट्रिक्स नामक सुविधा है ना, ये आपका स्नैपचैट में है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पल्लव राजवंश की जो राजधानी है ना, ये कहाँ पर स्थित थी। तो देखिए पल्लव राजवंश की जो राजधानी है ना, ये कांचीपुरम में स्थित थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSB, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये जो है क्या करता है। तो देखिए ये जो आपका वित्तीय स्थिरता बोर्ड है ना, ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है ये हाल ही में किसे चुना गया था। तो देखिए GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है ये अमिताभ बच्चन को जो है वो चुना गया था। तो ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है
फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। तो देखिए फ्रांस और जर्मनी, देखिए जर्मनी और फ्रांस अगर पूछा होता तो मैजिनॉट रेखा आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका मैजिनॉट रेखा नहीं दिया गया है। तो देखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमा रेखा है ना, यह आपका साइगफ्रीड लाइन है। तो साइगफ्रीड लाइन ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT के जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत जो ये आपका आता है। तो देखिए ये जो आपका DGFT होता है ना, यानी इसका फुल फॉर्म बात कर ले तो देखिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये जो आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व जो वो आवश्यक होता है। तो देखिए परमाणु तत्व ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है ये आपका यूरेनियम जो तत्व होता है ना वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ऑप्शन सी यूरेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द स्कारलेट लेटर, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो देखिए द स्कारलेट जो पुस्तक है ना ये आपके नथानियल हार्थोन के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो नथानियल हार्थोर्न आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले जो है पहले व्यक्ति कौन है। तो देखिए अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले जो पहले व्यक्ति है ना ये आपके रस कुक हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना ये आपका गोदावरी नदी है। तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका NHRC का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए NHRC का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया होता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 1985 को जो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो वो घोषित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 1975 से 1985 तक जो है आपका महिलाओं के लिए जो है राष्ट्र दशक की स्थापना जो वो किया गया था। तो ये किसके लिए जो वो घोषित किया गया था, तो ये आपका महिलाओं के लिए जो वो घोषित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की जो है प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में जो है ये सहायता करती है। तो देखिए ये जो आपका गुणात्मक शोध विधियां है ना ये आपका अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर जो है उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में जो ये सहायता करती है। तो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक शोध विधियां आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका BRI का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए BRI का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है और ये आपका चीन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा जो है विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा करने को सुरक्षा को जो है खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो देखिए ये जो आपका स्पीयर पीसिंग होता है ना ये आपके विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति ये जो है कब घोषित किया गया था। तो देखिए पहली बार जो राष्ट्रीय कृषि नीति है ना ये जुलाई 2000 में जो वो घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस वर्ष में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित जो वो किया गया था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जो प्रतिस्थापित किया गया था ना वो आपका वर्ष 2006 में जो है वो किया गया था। तो वर्ष 2006 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के किस पड़ोसी देश को जो है ये थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश भूटान को जो है ये थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो देखिए ये जो आपका गूगल है ना जो कि आपका एक रिसर्च इंजन है ना कि आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन डी गूगल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपका नोएडा है ना ये आपके गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व डाक दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व डाक दिवस जो है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी 9 अक्टूबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
ये वाला 67 आपका कंप्यूटर से प्रश्न था, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। जिस भी बच्चे को अगर इसका एक्यूरेट आंसर पता है वो कमेंट करके जो वो ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दियो कि मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर की दूंगा, तो जिसका आंसर मुझे नहीं पता है मैं उसका जो है गलत उत्तर आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। तो देखिए क्रोएशिया गणराज्य की जो राजधानी है ना, यह आपका जागरेब है, तो ऑप्शन बी जागरेब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए 69 का भी अभी तक मुझे नहीं पता चल पाया है, तो देखिए 69 का पूरा क्वेश्चन भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है। जिसको अगर 69 का आंसर पता वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान जो है आरबीआई के गवर्नर जो वो कौन थे। तो देखिए 1946 में जो आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, उसके दौरान आरबीआई के जो गवर्नर थे ना वो आपके सीडी देशमुख थे, यानी इनका पूरा नाम अगर बात कर ले तो देखिए चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है भाग जो है DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो देखिए DPSP से संबंधित जो आपका भाग है ना, ये आपका भाग 4 है, तो भाग 4 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि DPSP का अगर अनुच्छेद पूछा जाए आगे के शिफ्टों में तो ये आपका 36 से 51 है, और DPSP को जो ये किस देश के संविधान से लिया गया है तो ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ए लाइफ मिसपेंट वॉज रिटन बाई होम, यानी ए लाइफ मिसपेंट ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो देखिए ए लाइफ मिसपेंट ये जो पुस्तक है ना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है वो लिखा गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आसमान के नीलेपन का जो है मुख्य कारण क्या है। तो देखिए आसमान के नीलेपन का जो मुख्य कारण होता है ना वो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिकर्णन जो है ये आपका मुख्य कारण होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रमन सुब्बा रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया ये किस खेल से जुड़े थे। तो देखिए रमन सुब्बा रॉय की बात कर ले तो ये आपके क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन ए क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण जो है संवर्ध यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है। तो देखिए किस प्रकार का प्रदूषण जो है आपका यूट्रोफिकेशन है, तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण जो है ये आपका यूट्रोफिकेशन है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए GK GS का मैंने सभी क्वेश्चन को आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में आपका क्वेश्चन आया था कि एक और अजगरी लखी और एक मिग्राए विकट बटोही बीच ही परियु मूर्छा खाए, इन पंक्ति में जो है प्रयुक्त रस कौन सा है। तो देखिए इन पंक्ति में जो आपका प्रयुक्त रस है ना ये आपका भयानक रस है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो देखिए ये जो आपका रूपक है ना इसमें आपका शब्द अलंकार नहीं है, तो ऑप्शन बी रूपक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं ना तो उसे जो है अल्पप्राण जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अगम और आगम शब्द का जो है युग्म का जो है वो सही अर्थ बताना था। तो देखिए अगम का मतलब तो आपका दुर्लभ हो जाता है और आगम का मतलब जो है ये आपका उत्पत्ति हो जाता है, तो दुर्लभ और उत्पत्ति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से मुख का अनेकार्थ शब्द जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए मुख का जो अनेकार्थ शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपका विवश है ना ये मुख का अनेकार्थक शब्द जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग है ना ये किस वाक्य में हुआ है। तो देखिए जब आप चारों वाक्य को पढ़ोगे ना तो इसमें आपका यह मेरी निजी पुस्तक है ये आपका जो है निजवाचक सर्वनाम का जो है वो प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाई यह मेरी निजी पुस्तक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्या भूलू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का जो है ये कौन सा भाग है। तो देखिए ये जो आपका क्या भूलू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का जो है ये पहला ही भाग है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया पहला उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार की जो शुरुआत है आपका 1954 में हुआ था, और उस समय जो आपका हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ना इसके प्रथम विजेता जो थे ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो देखिए वय प्लस वृद्ध ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया
उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2019 का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ना, ये किस रचनाकार को जो वो दिया गया है। तो देखिए 2019 का जो आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ना, ये आपके नंदकिशोर आचार्य को जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देश प्रेम में जो है कौन सा समास है, तो देखिए देश प्रेम में जो है आपका तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जुबान पर लगाम ना होना, इसका जो अर्थ पूछा गया था, तो देखिए जुबान पर लगाम ना होना इसका जो अर्थ होता है ना, वो अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना होता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए ये जो आपका छीर है ना, जो कि आपका चील शब्द का जो है वो पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अमृतसर के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले, तो देखिए अमृत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका सोम, अमीय और सुधा होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा वर्ण जो है ये आपका दंतय नहीं है, तो देखिए ये जो आपका ट वर्ण है ना, ये आपका दंतय नहीं है। तो ऑप्शन बी ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो देखिए मैंने आम खा लिया इसमें जो आपका आसन भूतकाल है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपको बताना था, तो देखिए किसी एक में ही आस्था रखने वाला को जो है ये अनन्य जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक जो वो प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो देखिए धमाका इसमें जो आपका सही जो होगा वो आपका जो सही प्रत्यय होगा वो आपका आका आ जाएगा, लड़ाकू में आपका आकू आ जाएगा, उड़ाक में आपका आक आ जाएगा और छिलका में आपका का आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शुद्ध वाक्य का जो है वो चयन करना था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है ना, ये आपका मध्यकालीन युग में जो है कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, ये जो आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो है वो चुनिए। तो देखिए वर्षा और जनता, ये जो आपके सदा एक वचन में जो वो प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए वर्षा और जनता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजा शब्द के लिए जो है पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो देखिए राजा शब्द के लिए जो सही पर्यायवाची शब्द होगा ना वो नरेंद्र होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से वाक्यों के जो है शुद्ध रूप को जो है वो चयन करना था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो जब आप ऑप्शन ए को पढ़ोगे कि भारत में अनेक जातियां हैं, तो ये आपका शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विस्मयबोधक चिन्ह इसमें से कौन सा है। तो देखिए विस्मयबोधक जो चिन्ह है ना, ये आपका ऑप्शन बी है, यानी इस प्रकार से आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस वाक्य में जो है अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो देखिए यह जो स्थान है बहुत अच्छा है, इस शब्द का जो प्रयोग है ना ये आपका विशेषण के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो देखिए प्रेम सागर के रचनाकार है ना, ये आपके लल्लू लाल है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था अनावर्त शब्द का जो है समभिनार्थक जो है वो क्या होगा। तो देखिए अनावर्त शब्द का जो समभिनार्थक होगा ना, वो आपका ना दोहराया हुआ होगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो वो पुलिंग है। तो देखिए रीति, क्षमा और घटना, ये सभी आपके स्त्रीलिंग है, लेकिन ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये आपका पुलिंग है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वह आई हो तेरी मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए वह आई हो तेरी मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में जो है यह आपका संभाव्य वर्तमान काल है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था असोच और असोच शब्द का जो युग्म का सही विकल्प चुनना था। तो देखिए असोच का मतलब होता है बिना सोच के, और असोच का मतलब जो होता है वो अशुद्धि होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था
कि आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का जो है सही अर्थ जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा ना, वो आपका संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये जो आपका सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, उसके लिए एक शब्द जो वो पूछा गया था। तो देखिए, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, उसके लिए जो एक शब्द होगा ना, वो सुपाठ्य होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, ओढ़ना में जो आपका उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समास का शाब्दिक अर्थ जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो आपका क्या होता है? तो देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो आपका संक्षिप्त होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 90 से 94 तक जो आपका गद्यांश का प्रश्न था, तो आप ये पूरा गद्यांश जो वो पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा गद्यांश जो वो पढ़ लिया है, या फिर अगर आप जल्दी में पार कर गए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी जो है ये पूरा गद्यांश को जो वो पढ़ सकते हैं। ऐसे मैंने पढ़ लिया है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तो देखिए, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से जो है ये निर्वासित है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि वह जो है आपका विज्ञान के विध्वंसक शक्तियों से जो वो भयभीत है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है, उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो ये आपका जीवन की अप्रिसीम भौतिक विकास है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से जो है ये नैतिक आत्मिक मूल्यों को जो है विकसित करके जो है वो रोका जा सकता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है, उनका यहाँ पे करेक्ट था कि UDHR यानी मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का जो है कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की जो वो गारंटी देता है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 14 है ना, ये आपका उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की जो वो गारंटी देता है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि NPA का जो वो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका NPA है ना, ये आपका बैंकिंग सेक्टर का जो एक टर्म है, और NPA का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एक्शंस यानी गैर निष्पादित कार्य होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सेरा नृत्य जो वो मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका सेरा नृत्य है ना, ये किसानों द्वारा जो है ये आपका ललितपुर जिले में जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी ललितपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो क्या है? तो देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए जो है परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाना है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए जो वो प्रदान किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका अर्जुन पुरस्कार है ना, ये खेल के क्षेत्र में जो वो प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए खेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इंडिया विंस फ्रीडम ये जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये आपके अब्दुल कलाम आज़ाद की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2016 के विमुद्रीकरण के बाद जो है RBI को कितने प्रतिशत जो है 500 और 100 रुपये के नोट जो वो प्राप्त हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता कि 2016 में आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें आपके 500 और 1000 के नोट जो है वो आपके बंद कर दिए गए थे, और इसमें जो आपके 98.96% जो है ये आपका जो है वो प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 1993 में मानव अधिकारों पर जो है विश्व सम्मेलन ने किसको जो वो अपनाया गया था। तो देखिए, मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने जो है 1993 में ये जो है वीना घोषणा को जो वो अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी वियना घोषणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है लिए सीटों का आरक्षण को जो है वो बढ़ाया गया है। तो देखिए, ये जो आपका 79वां संविधान संशोधन था ना, इस अधिनियम
के तहत जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सीटों के आरक्षण को जो वो बढ़ाया गया था। तो ऑप्शन डी 79वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लोकटक झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका लोकटक झील है ना ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका में जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का जो उद्देश्य है ना ये किस मौलिक सिद्धांत को जो वो बढ़ावा देता है। तो देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है ये आपके भाईचारे यानी बंधुता को जो वो बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा एक जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से जो है आने वाले सभी डेटा को जो वो फिल्टर करता है। तो देखिए ये जो आपका फायरवॉल है ना जो कि आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और ये जो आपका इंटरनेट के माध्यम से जो है आने वाले सभी डेटा को जो वो फिल्टर करता है। तो फायरवॉल ऑप्शन डी फायरवॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए जो है क्या शब्द है। तो देखिए दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो रणनीतिक उपयोग के लिए जो एक शब्द है ना वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है यानी सामाजिक माध्यम विपणन है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका भूटान की राजधानी पूछा गया था। तो देखिए भूटान की जो राजधानी है ना ये थिम्पू है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत में सबसे लंबा जो नदी पुल है ना ये कौन सा है। तो देखिए भारत में जो सबसे लंबा नदी पुल है ना ये आपका भूपेन हजारिका सेतु है जिसे ढोला सदिया पुल भी जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सरकार ने जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये जो है कब पेश की थी। तो देखिए सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ना ये आपका अगस्त 1998 में जो वो पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी अगस्त 1998 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से जो है उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में जो है किस प्रकार जो वो परिवर्तन आएगा। तो देखिए भारत और वियतनाम के बीच जो साझेदारी से जो है ये आपका रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर जो है ये आपका सुरक्षा परिदृश्य में जो है ये आपका परिवर्तन आएगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो देखिए जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के जो नेता थे ना पहले 10 साल पहले आपके नहीं थे लेकिन आपके राहुल गांधी जो है ये लोकसभा के विपक्ष के नेता जो है वो बनाए गए थे। तो ऑप्शन ए राहुल गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो तुगलकनामा जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है। तो देखिए ये जो आपका तुगलकनामा जो पुस्तक है ना ये अमीर खुसरो के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि IREN यानी अंतर्राष्ट्रीय जो अक्षय ऊर्जा एजेंसी है ना ये जो है क्या कार्य करती है। तो देखिए ये जो आपका IREN यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है ये आपका जो है नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को जो वो बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए जो है किस संगठन को जिम्मेदार जो है वो माना जाता है। तो देखिए वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए जो है ये नाटो को जो है वो जिम्मेदार माना जाता है। तो ऑप्शन बी नाटो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दूध उत्पाद ब्रेड इत्यादि में जो है आवश्यक वस्तुओं पर GST दर जो है वो क्या है। तो देखिए दूध उत्पाद या फिर ब्रेड इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर जो है आपका GST का जो दर है ना वो 12% है। तो ऑप्शन सी 12% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को जो है क्या नाम दिया गया था जो आपका 2024-25 तक जो है होने की संभावना है। तो देखिए इसका जो नाम है ना ये आपका आर्टेमिस यानी ऑप्शन डी आर्टेमिस जो वो नाम दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ITER यानी अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर जो है इस परियोजना का जो उद्देश्य है ना निम्नलिखित में से किसकी व्यवहारता जो है वो प्रदर्शित करना है। तो देखिए ITER परियोजना का जो उद्देश्य है ना ये बड़े पैमाने पर जो है कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में जो है यह आपका संलयन ऊर्जा को जो वो प्रदर्शित करना है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए 14 सितंबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है, तो देखिए 14 सितंबर को जो है ये आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 10 जनवरी को जो है ये आपका विश्व हिंदी दिवस भी जो है वो मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतमाला जो परियोजना है ना ये आपका किससे संबंधित है, तो देखिए भारतमाला परियोजना की बात कर ले तो ये आपका रोडवेज यानी सड़क मार्ग से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तो देखिए दीपावली त्यौहार को जो है ये प्रकाश के त्यौहार के रूप में जो वो जाना जाता है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय जीएसटी में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, तो देखिए जीएसटी में जो है आपके सेवा कर जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन बी सर्विस टैक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार जो है बुनियादी शिक्षा का विचार जो वो प्रतिपादित किया था, तो देखिए बुनियादी शिक्षा का जो विचार जो सबसे पहले प्रतिपादित है ना ये महात्मा गांधी के द्वारा जो वो किया गया था, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य जो है मसालों का प्रमुख उत्पादक था, तो देखिए 2020-21 में आप देख सकते हैं कि किस लेवल का आपका प्रश्न जो वो पूछा गया है, तो देखिए 2020-21 में आपका मध्य प्रदेश राज्य जो है ये मसालों का प्रमुख उत्पादक जो है वो माना जाता था, तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी शांति भंग का आजीवन पुरस्कार के जो है प्राप्तकर्ता जो है ये कौन है, तो देखिए इसके जो प्राप्तकर्ता है ना वो आपके सलमान रसूदी है, तो सलमान रसूदी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य पूछा गया था, तो ये आपका हरियाणा राज्य था, हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 877 रहा था, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य था, केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 1084 रहा था, और भारत का लिंगानुपात ये जो है कितना रहा था तो ये आपका 943 रहा था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो ये आपका दमन और दीव का रहा था जो कि आपका 618 रहा था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जनसंख्या में डी का जो घनत्व है इसको जो है किस प्रकार से जो वो डिफाइन किया जाता है, तो देखिए डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन डी इक्वल टू क्या होता है, तो ये नंबर बाई स्पेस होता है यानी संख्या बाई स्पेस, ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचे को जो है ये कैसे बढ़ाता है, तो देखिए बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचे को जो है ये नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जो है सुव्यवस्थित करके जो है इसका जो है वो बढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था, तो देखिए 1928 में बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है वो किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर जो है दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है कौन सा स्थान जो वो दिया गया था, तो देख सकते हैं कि 2021 का भी जो आपसे पूछा गया है, तो देखिए 2021 में इंस्टाग्राम को जो है ये चौथा पायदान जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन डी चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण जो ये कब किया था, तो देखिए चीन ने तिब्बत पर जो आक्रमण है ना ये आपका 1950 में किया था, तो ऑप्शन बी 1950 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जीव को जो है जल प्रदूषण का जैव संकेतक जो है वो माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, जैसे कि जेब्रा जो है ये आपका जमीन पर रहता है और शेर भी जो आपका ये जमीन पर रहता है और केचुआ और मेढक में आपको टिक करना था, तो देखिए जल प्रदूषण का जो जैव संकेतक है ना ये मेढक को जो है वो माना जाता है, तो ऑप्शन सी मेढक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी मैंने जीके के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दिया, अब मैं हिंदी के प्रश्न को जो है वो सॉल्व करने वाला हूँ। तो हिंदी में ही जो आपका पहला जो वो गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था, तो आप ये पूरा गद्यांश जो वो पढ़ लीजिए, मैंने सारा गद्यांश जो वो पढ़ लिया है जो कि आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की जो वो प्रसिद्ध कविता आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कवित्री की जो अधिकांश रचना है ना वो किस प्रकार की है, तो देखिए
तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के जो अधिकांश रचनाएं हैं ना, ये आपके देशभक्ति पूर्ण है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें मर्दानी शब्द का जो वो अर्थ पूछा गया है, तो देखिए मर्दानी शब्द का जो अर्थ होता है ना वो वीरांगना होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए, उक्त गद्यांश का जो है सही शीर्षक हो सकता है, तो देखिए आप ऊपर में जब गद्यांश पढ़ोगे तो झांसी की रानी जो है वो सही शीर्षक हो सकता है, तो ऑप्शन ए झांसी की रानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए, इस कविता की कवित्री का नाम बताना था, तो देखिए इस कविता के कवित्री का जो नाम है ना वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए, इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है, तो ये आपका वीर रस है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए, दिए गए विकल्पों में से विदुर का जो है स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो देखिए विदुर का जो स्त्रीलिंग होता है ना वो आपका विधवा होता है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में जो है उचित विराम का जो वो प्रयोग कीजिए, तो देखिए तुम कब आओगे इसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का जो वो प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है, 1987 में जो है मगध कविता के लिए साहित्य एकेडमी पुरस्कार जो ये किसे दिया गया था, तो देखिए 1987 में मगध कविता के लिए जो आपका साहित्य एकेडमी पुरस्कार है ना ये आपका श्रीकांत वर्मा को जो है वो दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो वो विशेषण है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा शब्द जो वो विशेषण है, तो देखिए ये जो आपका मात्र है ना जो कि आपका परिमाणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन ए मात्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और मात्र का मतलब क्या होता है तो थोड़ा होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अव्यय में कितने भेद हैं, तो देखिए अव्यय के जो आपके चार भेद होते हैं, तो ऑप्शन बी चार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि त्रिवर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो देखिए रिवर्ण का जो उच्चारण स्थान है ना ये आपका मुद्रा है, तो मुद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में जो है प्रयुक्त धर्म का जो वो क्या अर्थ होगा, तो देखिए इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का जो शब्द होगा ना वो आपका गुण होगा, तो ऑप्शन बी गुण आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये 126 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता दूं कि ये आपका चैलेंज वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कानन का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, एक तो आपका अरण्य भी होता है, कानन का मतलब आप जान लीजिए क्या होता है, तो देखिए कानन का जो मतलब होता है वो आपका जंगल होता है, और जंगल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका अरण्य का भी होता है और वन का भी होता है, तो देखिए दोनों ही आपके ऑप्शन सही होंगे। लेकिन अगर सटीक आंसर की तरफ अगर देखें तो देखिए ऑप्शन ए वन जिन्होंने भी लगा है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे किन्होंने किन्हीं कैंडिडेट्स ने अगर अरण्य को भी लगाया है तो उनका भी जो है वो गलत नहीं माना जाएगा, तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कृताकृत में कौन सा समास है, तो देखिए कृताकृत में जो है यह आपका कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है कर्तृवाच्य का जो वो प्रयोग हुआ है, तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो देखिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें जो आपका कर्तृवाच्य का जो है वो आपका प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से जो है पुलिंग शब्द को जो वो छांटना था, तो देखिए इन सब में आपका जो पुलिंग शब्द है ना ये आपका आहार है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि माघ फागुन में पढ़ने वाली ऋतु के लिए जो है एक शब्द जो है वो आपको बताना था, तो देखिए माघ फागुन में पढ़ने वाली ऋतु के लिए जो एक शब्द होगा ना वो आपका शिशिर होगा, तो ऑप्शन ए शिशिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अभिज्ञ शब्द का जो है संभिनार्थक शब्द जो है वो पूछा गया था, तो देखिए अभिज्ञ शब्द का जो संभिनार्थक शब्द होगा ना वो आपका जानकार होगा, तो ऑप्शन बी जानकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चिप की दावत, यानी चिप की जो दावत कहानी है ना इसके रचनाकार कौन है, तो देखिए चिप के दावत कहानी के जो रचनाकार है ना ये आपके भीष्म साहनी है, तो ऑप्शन सी भीष्म साहनी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्ध विराम चिन्ह है, तो देखिए ये जो आपका चिन्ह है ना ये आपका अर्ध विराम चिन्ह का जो वो चिन्ह है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इति और इति शब्द जो है युग्म का सही विकल्प चुनिए, तो देखिए इस इति का जो मतलब होता है वो आपका समाप्ति होता है और इस इति का जो मतलब होता है ना वो बाधा होता है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का जो वो चयन करना था। तो देखिए आप चारों वाक्य को पढ़ लीजिए और इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है ना वो आपका है कि मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये जो आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि अभय और उभय शब्द का जो है युग्म का सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अभय का मतलब जो होता है वो आपका निर्भय होता है और उभय का मतलब आपका दोनों होता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि अंधेरी नगरी का जो अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अंधेरी नगरी का जो अर्थ होता है ना वो अन्याय की जगह होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कांति और कलांति शब्द युग्म का जो वो सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए इस कांति का जो मतलब होता है ये आपका चमक होता है और कलांति का जो मतलब होता है ना ये थकावट होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आदि और व्याधि शब्द युग्म में जो है आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए इस युग्म में आदि का जो अर्थ होता है ना वो मानसिक कष्ट होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए त वर्ग की ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है ना ये दंत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो देखिए वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है इस वाक्य में जो है यह आपका कारणवाचक अव्यय है। तो ऑप्शन डी कारणवाचक अव्यय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है बिनु पैग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में जो है प्रयुक्त अलंकार बताना था। तो देखिए इस पंक्ति में जो आपका प्रयुक्त अलंकार है ना ये आपका विभावना अलंकार है। तो ऑप्शन डी विभावना अलंकार आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो प्रदान किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना ये साहित्य के क्षेत्र में जो वो दिया जाता है। तो ऑप्शन डी साहित्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला जो विकल्प आपको जो वो पहचानना था। तो देखिए दवाई शब्द का जो सही बहुवचन होगा ना ये आपका दवाइयाँ होगा। बहुत सारी ये वाला ऑप्शन चूज किए होंगे तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी चूज किया होगा तो उनका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वर्णमाला जो है ये किसे कहते हैं। तो देखिए वर्णमाला जो है ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है ये वर्णमाला जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अंगूर बरसना मुहावरे का जो है वो सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अंगारे बरसना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो कड़ी धूप होना होगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है अर्थ का जो है बोधक लोकोक्ति जो वो बताना था। तो देखिए घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है इसका जो सही लोकती होगा ना वो घर का भेदी लंका ढाए ये जो आपका सही लोकती होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से इसमें जो आपको विशेषण शब्द जो वो बताना था। तो देखिए इसमें जो आपका विशेषण शब्द है ना ये आपका सुंदर है जो कि आकारवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का जो वो उदाहरण है। तो देखिए मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है ये जो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम का जो वो उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए निर्वासित में जो है ये आपका इत प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए इत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिंदी और जीके के जो है सारे क्वेश्चन को जो है मैंने आपको 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ दिया है। इसके बाद आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग के जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है वो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।